कितनी यूनिट है, यूनिट में क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने हैं, ये सारे तो बात करने ही वाले हैं हम। मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे दूंगा, बेसिक आइडिया का, आपको पढ़ना कैसे है इस सिलेबस को। तो बहुत ही ईजी यूनिट है, सबसे ईजी यूनिट ही आप इसी को समझ लो। यूनिट फोर्थ, जो यूनिट फोर्थ है वो बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। यार ये तो बहुत इंटरेस्टिंग यूनिट है। इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट बहुत ईजी यूनिट है यार। कुछ एक क्वेश्चन फिक्स है, वहां से क्वेश्चन आने वहीं से आते हैं, बाकी क्वेश्चन। फर्स्ट यूनिट जो है आपकी 16 मार्क्स की है। मैं आपको थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल से रिलेटेड भी सारा सॉल्व करवा दूंगा। मैंने ओवरऑल आपको इंट्रोडक्शन दे दिया, प्रॉब्लम ये है कि क्या नहीं पढ़ना है, कुछ आइडिया आपको लग जाएगा।